देखो देखो ये आप बनी 24 न्यूज़, ये आप बनी 24 न्यूज़ की तरफ से देख रहे हैं आप सोनू कुमार देखो देखो ये आप बनी 24 न्यूज, ये आप बनी 24 न्यूज की तरफ से देख रहे हैं आप सोनू कुमार क्या कहना चाहेंगे मैम आज के आपके प्रोटेस्ट के बारे में, जैसे आपके साथ उधर धक्का मुक्की हुई और आपकी माइक जो छीनी गई? देखिए आज कहा यह गया था कि बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडे के आज जो है लोगों की बात रखी जाएगी, सभी पार्टीज़ यहाँ पर इकट्ठी होंगी और जो भी बिल्स लोगों की समस्या है उसके ऊपर बात की जाएगी, लेकिन कहीं से भी वो उस तरह से देखा नहीं जा रहा था। बीजेपी के लीडर्स वहाँ पर सारे बैठे हुए थे, सब अपने हिसाब से पार्टी की वो कर रहे थे। लोग कौन थे आपकी माइक? देखिए उत्तम सर, एक्स सरपंच बनी के, जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे से माइक छीना, मेरे को धक्का दिया और मेरे साथ गाली गलौज की। ये वीडियो आप ज़रूर चलाइएगा, ये वीडियो आपके पास है भी है, सभी लोगों के पास है, लेकिन ये जो नारा देते हैं ना कि बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ, उनकी सुरक्षा करो, बेटियां हैं तो हमारा भारत देश है, ये खोखले नारे, ये खोखली नारेबाजी, ये बंद कर दो, ये स्लोगन्स बंद कर दो, ये आप पे सूट नहीं करते, ये पहले से ही प्रूव था, लेकिन आपने बनी में भी आज ये दिखा दिया कि ये सब खोखलापन है आपका, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी सियासत को चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो और कहीं किसी भी नीचता तक गिर सकते हो, इसका आपको जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। FIR मैं इनके खिलाफ करवाऊंगी, जवाब इनकी पूरी पार्टी को देना पड़ेगा कि इस तरह की बदतमीजी जो है कब तक हम लोग सहेंगे। रही लोगों की बात, तो लोग अपनी बात रख रहे हैं, हर कोई बात रख रहा है, तो उनको जब वो कहते हैं कि हमें डर नहीं है, हमारी पार्टी की बहुत ताकत है, हमारे साथ सब लोग हैं, तो आज मुझसे, एक अकेली से मुझसे इनको खतरा हो गया कि मेरे से माइक छीनने लग गए कि हम बोलने ना दें इनको, ये इनको भुगतान करना पड़ेगा।